यहाँ पे मंजिता को देखो, बेचारी दुखी हो गई है मम्मी को देख देख के। दुख लग रहा है मंजिता? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। ये देखो अभी ठीक हो जाएगा, पत्ती वत्ती लगा दिया है। ये देखिए आगे का पूरा खराब हो चुका है। देखिए ऐसा पता नहीं किसका बुरी नजर लग गया हमारे परिवार पर, कभी ये होता है कभी वो होता है, समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब बहुत दुख लगता है अंदर से ना। और पेंडल लेके काफी खूबसूरत हो रहा है धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे गुड मॉर्निंग बोल तो रहा हूँ लेकिन मन में बहुत दुख है, क्योंकि सुबह सुबह हमें एक बैड न्यूज मिला है। तो मंजिता के एडमिशन के सिलसिले में जो है, दीदी जा रही थी महादेवपुर मंजिता के स्कूल में, एंड वहाँ पे जाते जाते अनफॉर्चुनेटली जो है दीदी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी भयंकर वाला, बहुत खराब से एक्सीडेंट हुआ है दीदी का। एंड अभी हालत बहुत खराब है, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजा है। मैं चाहकर भी नहीं जा सकता, मैं बाइक वगैरह नहीं चला सकता, तो भैया लोग गए हैं, जेरी गए हैं, भैया लोग गए हैं, और मैंने एम्बुलेंस को कॉल करके भी वहां पे भेजा है। तो अभी सिचुएशन शायद अभी वहां पे कंट्रोल हो रहा है, बट बहुत दुख लग रहा है यार। खुशी के माहौल पे मेरे पिताजी के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसा पता नहीं किसका बुरी नजर लग गया हमारे परिवार पर, कभी ये होता है कभी वो होता है, समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब बहुत दुख लगता है अंदर से ना भाई साहब, क्या बताऊँ मैं अभी, मैं क्या कर सकता हूँ इतना छोटी सी उम्र में, इतना मतलब टेंशन झेल नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना ये प्रेशर में मैं झेल नहीं पा रहा, मतलब क्या बोलूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और इधर पे देखो कितना खुशी की बात, हम लोग जो है पेंडल वगैरह सजा रहे हैं, लोगों को इन्विटेशन दिया है, काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो बहुत परेशान हूँ अभी मैं, और ऊपर से मौसम भी खराब हो गया। वेदर रिपोर्ट में दिखा धूप देगा, अभी देखिए मौसम का हालत क्या हो गया। वैसे उतना स्पीड भी नहीं चला रही थी दीदी, स्लोली जा रही थी, और एक हवा की वजह से पत्ता जो है उसके आँख में आके लग गया और गिर गई, ऐसा बोला उन्होंने। तो अभी हमें तो उतना अभी बता नहीं सकते, देखा नहीं अभी तक दीदी का शक्ल और क्या हालत क्या है। अभी हॉस्पिटल में उसको भर्ती करेंगे, उसके बाद जब जेरी लोग फोटो वगैरह भेजेंगे तभी हम लोग देख पाएंगे कि क्या हुआ है सिचुएशन। यहाँ पे सुबह सुबह भैया भी गए थे मार्केट ये शॉपिंग वगैरह करने के लिए, जो पूजा में हम लोग मिक्स सब्जी बनाएंगे उसमें मतलब चाहिए था, तो उसके लिए गए थे भैया। वो भी खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे थे, अचानक से बैड न्यूज़ मिल गया। वो भी दौड़ दौड़ के जाना पड़ा उसको भी बाइक लेके, और बाइक में तो जाने से भी कुछ फ़ायदा है नहीं, उसको उठा के ले जा नहीं सकते, अपने पास गाड़ी है नहीं। और मनोज भी मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया उसको किसी काम से, उसको भी कॉल किया लेकिन वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट सुबनसुरी डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुका है वो। तो भाई साहब मेरे दोस्त लोगों के पास भी गाड़ी वाड़ी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो बहुत परेशानी। तो एम्बुलेंस को कॉल किया मैंने, अभी एम्बुलेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो कितना खुशी की बात, सभी लोग गांव वाले लड़कियाँ आए हैं हेल्प करने के लिए, पट्टे वगैरह की साफ सफाई चल रही है, और यहाँ पे जो है पेंडल भी बना रहे हैं। ऐसा बारिश पूरा जोर से शुरू हो गई, अभी देखो ऐसे ही होते है ना, भगवान कहते हैं ना कि वो उसका ऑपोजिट हो गया, देने वाला जब भी देता देता छप्पर पार गए ना, उसका उल्टा हो गया मेरा, देने वाला जब भी दे रहा है सब कुछ दे रहा है कि साथ में शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं भाई। बहुत दुख लग रहा है मुझे, मतलब टेंशन झेल नहीं पा रहा अभी मैं, ये टेंशन वो टेंशन भाई, फैमिली टेंशन बहुत कुछ झेल नहीं पा रहा हूँ अभी, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। अभी जेरी को कॉल किया हूँ, बातें हुई है, तो हॉस्पिटल अभी पहुँचने ही वाले हैं, नाम साहब पहुँच चुके हैं। तो स्कूटी का तो हालत ही ख़राब है, स्कूटी तो कुछ नहीं है वो, मतलब टेंशन नहीं है, बस इंसान जो होता है ना वो सही रहे वही काफ़ी है। दीदी अगर सही रहे तो यहाँ से पूरा ये जगह से पूरा खून निकल रहा है बोल रहे हैं, एंड हाथ जो दायां हाथ है वो भी, राइट हैंड जो है वो भी बिल्कुल मतलब फ्रैक्चर हुआ ना क्या हुआ, मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो तो एक्सरे वगैरह करने का बात ही पता चलेगा, एकदम हिला नहीं पा रही है ऐसा कह रहे हैं। तो काफ़ी सीरियस मतलब एक्सीडेंट जो है काफ़ी सीरियस हुआ एक्चुअली, पूरा बारिश से बारिश हो रही है दोस्तों, बारिश की वजह से आग जो है वहाँ पे जलाया हुआ था उसको अंदर में लाना पड़ा। ये देखिए बम्बू सूट बॉयल हो रहे हैं यहाँ पे पूरा। मन भी दीदी भी नहीं है, तेरा दीदी भी गई है घूमने के लिए, मंजिता को मालूम ही नहीं है अभी उसका मम्मी का क्या हुआ है बोल के, वो आने से पूरा सरप्राइज हो जाएगी और पता चलने से रोने लगेगी बेचारी मंजिता। तो अभी दीदी का जो कंडीशन है वो बार बार मैं कॉल पे मतलब पूछ रहा हूँ, तो अभी उसको जो है यहाँ पे एक गद्दा सा हुआ है, मैं फ़ोटो अगर यूट्यूब वाला अगर वो नहीं करता है मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं करता है तो ज़रूर से लगा दूंगा। तो अभी जो है दीदी का हाल चाल मैंने पूछा, अभी जेरी को भी कॉल किया, भैया को भी, तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, अभी आउट ऑफ डेंजर, मतलब अभी ये मालूम नहीं हो रहा है कि हाथ जो है टूटा है ना, डिसलोकेट हुआ है, उसको जो एक्सरे वगैरह करना पड़ेगा उसके बाद मालूम होगा। तो अभी देख लेते हैं, आई होप कि कोई ऐसा बुरा ना हो एंड अच्छा ही हो सब कुछ, और जो है
बहुत परेशान हूँ, क्या मैं क्या कह रहा हूँ मुझे भी मालूम नहीं है। मंजिता को मालूम ही नहीं हो बेचारे, कहीं मामा जी के उधर में गई हुई है और बारिश का वजह से पूरा परेशान। देखिए पानी वानी गिर रहा है, यहाँ पे काम लगातार चल रहे हैं, यहाँ पे पेंडल मेकिंग भी पूरा जोरों शोरों से चल रहा है देखिए, और बारिश की वजह से कितना पानी जमा हुआ है देखिए, अभी गिरा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है यार, हर चीज़ एक ही साथ में, सब टेंशन एक ही साथ में जमा हो गई है। इस बार क्या करें, लाइफ है, अप डाउन आते रहते हैं, सह लेंगे शायद। परीक्षा ले रहे हैं ऊपर वाला भी हमारे पूरे परिवार के साथ, देख लेते हैं, हम भी लड़ेंगे भगवान से, होने से भी लड़ेंगे, देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ पे खाना वगैरह पकाएंगे ना, वो किचन जो है उसको बना रहे हैं अभी, और यहाँ पे जो चावल हम लोग पकाएंगे उसको जो है इसके ऊपर में पत्ते से बांध के रखेंगे। यहाँ पे देखिए पत्ते भी ला दिया है, ये जो है जंगल से लाया जाता है, हमने जो है लोगों को बोला है तो मदद करके, मतलब वो लोग मदद कर देते हैं फ्री में, ये खरीदने का जरूरत नहीं होता है। तो ये पट्टे, टोटल पट्टे हमने मंगाए हैं 1500, और भी चाहिए होगा 2000 पत्ते चाहिए होगा, क्योंकि काफ़ी लॉस हो जाती है, पत्ते वगैरह बहुत ख़राब हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चाहिए अमाउंट पे। अगर आपको 500 लोगों को खिलाने का मन है तो कम से कम आपको 1000 तो चाहिए ही होगा। तो यहाँ पे बन रहा है अभी धीरे धीरे, अभी यहाँ पे काम चलता रहेगा दोस्तों, और मुझे अभी बैंक में जाना पड़ेगा। तो घर पे बाइक भी नहीं है, अभी स्कूटी भी नहीं है, स्कूटी भी एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये अंकल के साथ, हैंडसम अंकल के साथ जाऊंगा अभी बैंक में, वहाँ से पैसे वगैरह निकालूंगा। और दीदी के लिए जो भी ट्रीटमेंट के लिए है वो मैंने ऑनलाइन दे दिया है भैया को, तो अभी वो लोग पट्टी वट्टी करने के बाद घर आएंगे, उसके बाद आई होप कि मतलब अच्छे से हो जाए सब कुछ। बहुत धूप लग रहा है, टेंशन भी है, तो अभी मतलब ये जो पैसे निकालने जा रहे हैं, एक्चुअली जो पूजा हो रहा है हम लोग का, उसमें बहुत सारे सामान और भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए लेके आना पड़ रहा है। तो अभी जाएंगे मैं और हैंडसम अंकल। बड़ी लंबी लाइन लगने के बाद अभी फाइनली मुझे पैसे मिले हैं। पैसा ये देखिए 50 रुपये के नोट इतने सारे लग रहे हैं, बट उतने सारे है नहीं पैसे। यहाँ पे भाई पूरा रुक रहे, हैंडसम अंकल का बेटा इसी के साथ आए हैं, चलो जाए। ओह दोस्त है, हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी आधे रास्ते पे पहुंचा हूँ, जो स्कूटी का डीलर है वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए स्कूटी, अभी चेक करता हूँ मैं भी चढ़ के कितना ख़राब हुआ है। भैया लोग जो है गाड़ी में लेके आए हैं, पूरा ये देखिए आगे का पूरा ख़राब हो चुका है, देखिए आगे का बॉडी ही ख़राब हुआ है, इंजन में तो उतना ख़राब ही नहीं आया है। बहुत ख़तरनाक से एक्सीडेंट हुआ है दीदी का, डर लगता है यार, देखिए इतना भयानक से हुआ है ना, डर लगता है यार सुन के भी। तो अभी पता नहीं इसमें इंश्योरेंस वगैरह किया हुआ है तो वो सब होगा। ये देखो क्लास ये सब पूरा टूट गया, ख़राब से हुआ है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ख़राब से होगा बोल के, डर लगता है। तो यहाँ पे बातें बातें कर लिया है दोस्तों, अभी जो है इंश्योरेंस जो है अभी तक आया नहीं है, वो कहते हैं ना जो नंबर प्लेट वो लाना पड़ेगा, उसका क्लेम करना पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए तो हमें पे करना पड़ेगा, लगभग 20,000 के आसपास आ जाएगा पेमेंट। और यहाँ पे देखिए ब्लैक पैंथर भी है, तो भैया गए थे मतलब दीदी के वहाँ ब्लैक पैंथर में, और ये गाड़ी भाड़ा किया हम लोगों ने, ये गाड़ी पे हमें पे करना पड़ा 1600 रुपीस, और स्कूटी वहाँ पे है। अभी फिलहाल के लिए स्कूटी को हम लोग अपने घर पे रखेंगे, उसके बाद जो है हमारा जो पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद तेजू लेके जाके हम लोग जो है उसको बनाएंगे, तो फिलहाल जाते हैं चलो। अभी जाते जाते दोस्तों मैंने मटन का भी पैसा देखे गया है, क्योंकि कल हमें चाहिए होगा मटन, तो भैया को दे दिया है ऑर्डर, तो कल भैया जो है 4 बजे तक रेडी करके रख देंगे, उसका हम लोग लेके आएंगे। ठीक है चलते हैं भैया, चलो। अभी हम लोग अपने गांव में पहुंच चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे जीजा का घर, यहाँ पे सुपारी बेच रहे हैं, तो कल उधार लेते हमने 10,000 रुपये, वो भी दे दिया है, थैंक यू उधार देने के लिए जीजा। और पूजा में तो आना है आप लोग को सभी को, तो अभी जाएंगे, हाँ जरूर आना सभी को, पूरा परिवार वाले। फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच गया, और पेंडल लेके काफी खूबसूरत हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे जेरी मंजिता, मंजिता मम्मी कैसी है, ठीक है? हाँ तो ये देखो बुच्चे भी, अभी कैसा है दीदी, ठीक है अभी, अच्छा। और यहाँ पहुंच गया दोस्तों, अभी ये देखो दीदी पूरा हालत खराब, थोड़ा इधर देखो पेशेंट, भाई साहब बहुत डर गए थे हम लोग, शुक्र है कि अभी ठीक है, खाना वाना खा रहे हैं सभी लोग। अभी ये भी मेरी तरफ पेशेंट, एकदम सेम टू सेम, हम दोनों का खाना पीना खान पान अभी सेम टू सेम हो जाएगा, फिर से मुस्कुरा रही है देखो, गुड ब्रेव गर्ल, पट्टी लगा हुआ है फिर भी मुस्कुरा रही है, ऐसे ही रहना चाहिए सबको। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्टर पे जो है तख्ता लाए हैं, जो वहाँ पे आसन बनाया है ना हम लोग पूजा के लिए, तो वहाँ पे बिछाने के लिए जो लकड़ियों वाले तख्ता है वो लाए हैं अभी।
अब यहाँ पे जो आसन बनाए हैं इसमें बिछा देंगे बिल्कुल ऐसे, इसके ऊपर में बनते जी लोग हमारे बोध बिछे बिठेंगे। मालू देखो कौन है ये, कौन है देखो मायरा, मैं इसे प्यार से मायलू बुलाता हूँ, जेरी भी मायलू बुलाती है। मामा की, ये मेरी मामी, ये मामा का पोटी यानी कि दीदी की बेटी यानी कि मेरी भांजी। लो लो, पूरा घर में अंधेरा है, लाइट नहीं है, और यहाँ पे मंजिता को देखो बेचारी दुखी हो गई है मम्मी को देख देख के। दुख लग रहा है मंजिता? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, ये देखो अभी ठीक हो जाएगा, पत्ती वत्ती लगा दिया है, हाथ में भी फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है, बस मसल में थोड़ा सा चोट आया है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अरे रोने लग गई है, मत रो, देखो रो रही है, मत रो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये देखो अभी भी दर्द दे रहा है यहाँ पे ना, पेन होता है, दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा। मुझे लगा सर और फूट गया, इसलिए डर गया था, मैं बहुत डर गया था, बस गाल पे आया चोट और यहाँ कंधे में, लेकिन स्कूटी खत्म, फिनिश हो गया, स्कूटी फिनिश हो गया मंजिता, मम्मी ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पैंडल धीरे धीरे बन रहे, काफी खूबसूरत लग रहे, कल और भी डेकोरेशन बचेगा दोस्तों, कल पूरा मेन डेकोरेशन करेंगे। अभी जो है मेरे पिताजी का जहाँ पे समाधि है वहाँ पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे बम्बू से कुछ बनाया है, उससे अभी मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जैसे ही मैं अच्छा खासा इनकम कर पाऊँगा ये सब कंप्लीट होने के बाद, मैं पापा का मूर्ति बनाऊँगा वहाँ पे, सीमेंट का एक अच्छे से बनाऊँगा, तो अभी देखने जा रहा हूँ वहाँ पे बम्बू से कुछ एरिया मतलब साफ करके बम्बू लगाया, अभी सिंपली मतलब जस्ट अभी पूजा करने के लिए। हाँ देखिए दोस्तों, बिल्कुल जंगल जंगल सा हो चुका है, हम लोग टाइम टाइम पे सफाई करते हैं, यहाँ पे फूल का एक पेड़ लगा दिया है, पिताजी का समाधि ये है दोस्तों, यहाँ पे हमने पिताजी को जो है यहाँ पे उसका आखिरी अंतिम संस्कार किया गया था, और ये सुपारी का पेड़ भी लगा दिया हम लोग, ये जो है उन्होंने ही लगाया था खुद, तो वो जो पौधा था हम लोगों ने उसको यहाँ पे प्लान कर दिया। यहाँ पे आने से बहुत दुख लगता है, पिताजी का बहुत याद आती है, जो जो लोग भी पिताजी खोए हैं उनको ये दुख दर्द समझ में आ रहा होगा, बट अच्छा भी लगता है कि पापा फ्राउड फील कर रहे होंगे मेरे लिए, जो कुछ भी आज मैं कर पा रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे प्यार करने वाले मिले, अगर ऐसा पापा रहते हुए मैं कर पाता मुझे भी बहुत अच्छा लगता, पापा भी बहुत प्राउड फील करते अगर ज़िंदा रहते। यहाँ पे देखो अभी पिताजी का समाधि को भी देख लिया अच्छे से, तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो हमारा माइलू बेटा भी जा रही है घर, बाय बाय, फिर से कल आना, बाय बाय क्यूटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी और भी सामान आ गए, पूरा खाना वाना बनाने वाला सामान मंदिर से, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका। अभी लास्ट में हम लोग का बसंती को लाया जा रहा है, देखिए बहुत खतरनाक से एक्सीडेंट हुआ है दीदी का, वो तो भगवान का शुक्र है जान बच गया, बहुत भारी भी है बसंती। चलो बहुत भारी होगा भाई, भाई सब बहुत खतरनाक से, देखिए क्या हालत हो गया हम लोग का बसंती का, पूरा खराब हो गया, देखो बहुत डेंजर से गिरे, ओ स्कूटी का वो कारपेट गिर गया उसमें, बहुत डेंजर से हुआ है। यहाँ देखो आगे का पूरा खत्म, फिनिश, देखो पूरा ये बॉडी चेंज करना पड़ेगा अभी, ये सिग्नल लाइट ना क्या है, पूरा सब कुछ फिनिश, ये भी देखो पूरा फिनिश हो गया खत्म, ये आगे का ये पूरा चेंज करना पड़ेगा बॉडी, आगे का पूरा बॉडी, बहुत डेंजर से गिरा है ना, देखो मंजिता हेलमेट नहीं होने से तो और भी खराब होना था, देखो मंजिता तेरा मम्मी का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, डर लगता है, देखो इसलिए स्पीड नहीं चलाना है, देखो बहुत खराब, वैसे दीदी तो स्पीड भी नहीं चला रही थी, अचानक से उसके आँख में एक पत्ता आके गिर गया बोला है, तो कंट्रोल खो दिया उसने, वो 40 का स्पीड में चला रही थी बोला है, देखो मंजिता पूरा डर गई, देखो
और यहाँ पे नारी शक्तियों को देखो, पूरा सुपारी काटने में लग गए हैं। वाह, और ये सुपारी ये पूरा टोकरी में कौन लेके आया देखो, हम लोग का जमाई लेके आया। हाँ, और भैया लोग पूरा तोड़ के लेके आए। वाह, बहुत सारे तोड़े, थक गए ना भैया। देखो एकदम लोकल ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल वाले सुपारी है ये। अभी पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों, पेंडल बन रहे हैं, अभी धीरे धीरे खूबसूरत हो रहा है, देखिए बहुत ही मजा लग रहा है। और यहाँ पे बंदे लोग बैठने के लिए इसमें भी पूरा तख्ता बिछा दिया है, इसमें भी सीलिंग लगा दिया है, और भी इसमें खूबसूरत से बनाएंगे। अभी थोड़ा बहुत अच्छा बेहतर फील कर रहा हूँ, दीदी भी आ गई है, अभी टेंशन भी फ्री हो गया, वो उसका भी खतरे से बाहर है, तो अभी धीरे धीरे जो है खुशी आ रही है, महसूस हो रही है अभी खुशी। तो यहाँ पेंडल में जो है काफी काम चल रहा है अभी, और यहाँ पे लाइट लगाने के लिए जो है होल्डर वगैरह लगा दिया है, और बितुल भैया को भेजे हैं तार और लाइट वगैरह लाने के लिए, तो वो बाइक पे गया है, अभी आता ही होगा वो। अभी पेंडल देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत लग रहा है, मतलब 80% तक डेकोरेशन हो चुका है, कल और पूरा डेकोरेशन होगा, अंदर में बैलून वगैरह लगाएंगे, फूल, और यहाँ पे बैनर लगाएंगे मेरे पिताजी के नाम का बैनर, तो काफी खूबसूरत होने वाला है, तो कोशिश करेंगे जितना हो सके सुंदर बनाने के लिए। तो गांव में है, गांव का मतलब पेंडल इतना ही तक उतना सीमित है, मतलब हम लोग तो लाखों रुपया खर्च करके हम लोग एकदम शानदार सा नहीं बना सकते, वैसे मतलब बोला था मैंने, लेकिन 2,08,000 रुपया मांगा तो हम डर गए, इतना महंगा वाला तो नहीं होगा हमसे, तो यही काफी है गाँव में। और बगल में हम लोग का घर, उधर में किचन, मतलब खाना वाना पकाने के लिए पूरा। आ गया हम लोग का हीरो, बहुत तकलीफ हो गया ना, आखिर दामाद किस काम के लिए होता है। थैंक यू, वाह पूरा सामान, वाह भारी है। अभी बहुत सारे काम लगभग हो चुके हैं कंप्लीट, दिल को सुकून मिल रहा है, पेंडल भी हो गया, सारे काम लगभग हो चुके हैं, तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं एक्चुअली जो पिताजी का समाधि है वहाँ पे, तो नियम है कि पिताजी का जो आत्मा है उसको हम लोग बुलाएंगे, ऐसा है कि जो उसके लिए पूजा कर रहे हैं उसकी सुख शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए, तो इसलिए उसको वहाँ पे जाके हम लोग मोमबत्ती अगरबत्ती जला के प्रार्थना करेंगे, मैं और मम्मी जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हम लोग पहुँच गए पिताजी की समाधि पर, अभी यहाँ पे मम्मी पे सबसे पहले मम्मी जलाएगी, प्रार्थना करेगी, उसके बाद मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने भी जो है आशीर्वाद ले लिया है यहाँ पे कैंडल जला के, और मम्मी ने भी, तो अभी जाएंगे हम लोग दोनों यहाँ पे, कल भी हम लोग कैंडल जलाने आएंगे, और अभी फिलहाल चले जाते हैं, पूरा अंधेरा हो चुका है। अभी रूम पे आ गया, दोनों माँ बेटियों को देखो, मंजिता भी है और जेरी के साथ, जेरी वीडियो एडिट कर रही है, देख रही है साथ में। अभी बिल्कुल रात हो चुकी है दोस्तों, और सभी लोग चले गए, केवल हमारे परिवार वाले, अभी हम लोग डिनर करेंगे। यहाँ पे देखो कद्दू और बीन की सब्जी, और यहाँ पे मिक्स सब्जी, वाह ये तो बहुत टेस्टी हुआ रे, खाने का मन करता है, मैं और दीदी नहीं खा पाएंगे अब से, बस ये लोग खाएंगे। पार्टनर है हम लोग का, तुम खाना नहीं खाओगे? भूख नहीं है अभी मुझे। अच्छा ठीक है, हम लोग करते हैं। अभी हम लोगों ने डिनर भी कर लिया दोस्तों, पूरा शांति, अभी घर पे कोई भी नहीं है, केवल हम परिवार वाले हैं, दिन भर काम करने वाले लोग आते हैं, तो मतलब दिन भर दिन ऐसे ही चला जाता है। और आज का दिन तो मेरे लिए भाई साहब बहुत ही शॉकिंग वाला था भाई, इतना टेंशन हो गई थी, बट अभी कोई बात नहीं, अभी सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है, दीदी का हेल्थ भी अभी काफ़ी अच्छा बेहतर है, एंड ऊपर वाले को थैंक यू, एंड आप सबका दुआएं भी काम आए। एंड कल जो है हम लोग का पूजा वगैरह कल से शुरू है, कल हम लोग का जो कैंडल लाइटिंग प्रोग्राम है वो शुरू, अभी जो इस वक्त अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तब तक हम लोग का पूजा मतलब स्टार्ट होने वाला, अगर शाम को देख रहे हो तो पूजा मतलब स्टार्ट हो चुका है, अगर सुबह या दोपहर तक देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं, अगर आप लोग सुबह सुबह देख रहे हो और अभी तक आपने फैसला नहीं किया है कि आना है या नहीं आना, तो प्लीज़ आ जाइए, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, क्योंकि शाम को करेंगे हम लोग पूजा, हम लोग का जो प्रोग्राम है वो शाम को स्टार्ट होगा, तो दिन भर का मतलब फ्री है अभी टाइम, तो आप लोग जरूर से आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग आओगे तो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, कल बिल्कुल हम लोग क्या क्या पूजा करने वाले सब कुछ मैं दिखाऊंगा।